ऑल राइट सो हाई गाइज वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू यूट्यूब वीडियो आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे साथ में कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो बहुत बड़ा मोमेंटम दे सकते हैं आने वाली वीक में वो मैं आपके साथ सेटअप शेयर करूंगा सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड थोड़े बहुत स्विंग ट्रेड्स भी मैंने आपके साथ शेयर करें सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टड पहले एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी के अंदर एक काफी ज्यादा अच्छा सेटअप बन रहा है बिकॉज पे पे एक एक कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा होगा आई एम सॉरी फॉर दिस प्रॉपर मार्केट ने साइडवेज मूवमेंट दिया आफ्टर अ गैप अप ओपनिंग विच शोज दैट पीपल आर नाइधर कंफर्टेबल एट दिस पॉइंट बाइंग में एंड नाइधर दे आर कंफर्टेबल एट दिस पॉइंट सेलिंग में तो ये लेवल और ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बन जाते हैं फॉर दी मार्केट नाउ एच डी एक्स निफ्टी को मैंने देखा था इट इज़ समवेयर अराउंड सेवनटीन आई थिंक फोर नाइन्टी और समय लाइक दैट बट ठीक है आई थिंक थोड़ा सा कूल ऑफ कर जाएगा मंडे को सुबह नहीं करता है तो उसके इसकी भी बात हम करेंगे तो अगर एक फ्लैट ओपनिंग आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलती है आपका एनालिसिस बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है प्लान ऑफ एक्शन ट्राई करना एकदम सिंपल रहे क्या रहेगा प्लान ऑफ एक्शन आपका दैट एज सुन एज यू सी द मार्केट सस्टेनिंग बिलो दिस लेवल इस लेवल के नीचे आता है ऑप्शन बायर्स के लिए तो यहां पर आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है एंड देन स्लोली एंड स्लोली मार्केट विल गिव मोमेंटम नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज दैट यू कैन सेल एट दिस लेवल आल्सो ऐसा नहीं आप यहां पे नहीं सेल कर सकते यहां पर भी ऑप्शन अवेलेबल है लेकिन एट दिस पॉइंट आई वुड सजेस्ट यू अगर आप इस ब्रेकडाउन पर सेल कर रहे हो तो आप ऑप्शन बाय करने की बजाय कॉल ऑप्शन सेल कर देना वो भी इस स्ट्राइक प्राइस के थर्टी सिक्स सिक्स हंड्रेड के ऊपर के आप कॉल्स बेच सकते हो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेक करता है और आपको यहीं पर एंट्री लेनी है अगर आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है तो आप ऑप्शन के अंदर काम कर सकते हो वो एक पॉसिबिलिटी रहेगी ठीक है अब यहाँ पर आपको छोटी छोटी डॉटेड लाइन्स दिख रही होंगी ये वाली राइट ये जो छोटी छोटी डॉटेड लाइन्स है ये आपके स्टॉप लॉस के लेवल्स हैं ट्रेलिंग के लेवल्स हैं मतलब अगर मार्केट इसके नीचे आता है और आप यहां पर एंट्री ले रहे हो तो फिर आपको ये लेवल पर मार्केट आते ही ट्रेल करना है अपने स्टॉप लॉस को पर आते ही ट्रेल करना और यहां पर आते ही ट्रेल करना है एंड ये मत सोचना डॉटेड लाइन है तो वीक लेवल्स होंगे नो दीज लेवल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉग लेवल इसलिए मैंने यहां पर स्पेशली मार्क करा है कि इन इनपे आता है तो आपको स्पेसिफिकली ट्रेल करना ही करना है कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास यू हैव टू ट्रेल अदरवाइज प्रॉफिट भी जा सकता है आपका बिकॉज यहाँ से रिवर्सल मार्केट बहुत अच्छा कर सकता है फाइनल टारगेट आप थर्टी सिक्स थाउजेंड के लेवल का रख सकते हो विच इज अ टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड पॉइंट्स अच्छा ट्रेड है अच्छा टारगेट मिल सकता है इसमें अपसाइड में बैंक निफ्टी का आप अगर स्ट्रक्चर देखते हो सेम स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे अभी पूरा नहीं देखा है हम लोगों ने सिर्फ इंट्राडे का बता रहा हूँ यहाँ से अपसाइड आता है अगर फ्लैट ओपनिंग देकर बिटवीन दिस रेंज और फिर एक ब्रेकआउट आपको ऐसे देखने को मिलता है थर्टी सिक्स सिक्स हंड्रेड का वेरी गुड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी लॉन्ग जा सकते हैं ये लेवल का या ये लेवल का पचास से साठ पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर बन सकता है एंड वहाँ से टारगेट वन आपका जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी थर्टी सिक्स सेवन हंड्रेड एंड थर्टीन जो फिर से एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लेवल है मतलब यहाँ पर आते ही आपको ट्रेल करने पर ध्यान दे रहे देन अगेन उसके बाद में आपका नेक्स्ट लेवल आएगा थर्टी सिक्स एट हंड्रेड एंड थर्टीन आपका फाइनल टारगेट होगा अप साइड में इसके बाद आप चाहो तो टारगेट ले सकते हो थर्टी सेवन थाउजेंड का भी दैट इज कंप्लीटली और चॉइस थोड़ा आप कर लेना अपने आप से भी नाउ दिस इज गोइंग टू बी द प्लान इन केस मार्केट इज ओपनिंग अ फ्लैट मार्केट इज गिविंग अ फ्लैट ओपनिंग एंड इट्स नॉट वेरी बिग इट इज नॉट मेकिंग अ वेरी बिग गैप अप और अ बिग गैप डाउन नाउ ऑल्सो हम लोगों ने यहाँ पर एक पूरा मार्केट स्ट्रक्चर नहीं देखा है अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा पूरे वीक की इंट्रा से थोड़ा सा हटके लेट्स टॉक अबाउट द होल वीक उसके लिए मैं आपको अगर थोड़ा स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये हैवी वॉलीटैलिटी आपको देखने को मिलेगी लुक एट दिस कैंडल ये मार्केट थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था डेटा आना एंड देन लुक एट दैंडल स्टिक कहाँ पर खुलकर कहाँ पर सो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे तो हैवी वॉलीटैलिटी है मार्केट के अंदर और ये जिस लेवल पर अभी खड़ा है मैंने आपको बताया था यहां आप आई बटन पर क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा एक वीडियो मैंने अपलोड करा था कि कैसे आप टॉप्स और बॉटम्स ढूंढ सकते हो मार्केट के तो क्या ये एक पोटेंशियल टॉप है इज दैट पॉसिबल या फिर यहां से रैली कंटिन्यू होगी ये अब आपको समझना पड़ेगा नाउ ओवर हियर अगर मैं थोड़े डिफरेंट जगह पर लेकर आता हूं आपको एनालिसिस करने के लिए लेट्स वी कम टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अगेन एंड यहां से हम लोग अगर देखते हैं तो इट इज़ क्लियरली विजिबल थोड़े और बड़े टाइम फ्रेम पर आता है वन आर पे तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ये जो पूरा जोन है ना मार्केट क्या कर सकता है थर्टी सेवन थाउजेंड तक आएगा और फिर एक रिवर्सल प्लान कर सकता है मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं जब मार्केट यहाँ इतना गिरा था तब भी मैंने कहा था ये मत सोचना कि मार्केट अभी और ही गिर सकता है या और ही बढ़ सकता है मार्केट कैन गो साइडवेज इट कैन डू एनी तो आप अपनी तरफ से है ना आगे से आगे सोचना मत जस्ट ट्राई टू एक्सेप्ट ऑल द लेवल्स ये पूरी की पूरी जो रेंज है मार्केट कैन टेस्ट दिस रेंज मल्टीपल टाइम्स इन दिस वीक अगर ये थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड के ऊपर सस्टेन करता है तो अदरवाइज ये लेवल अगर आप देखोगे तो इट इज एक्चुअली अ रिवर्सल लेवल रिवर्सल लेवल क्या होता है जहां से मार्केट बहुत बड़ा टर्न ले जाता है या तो अपसाइड या तो डाउनसाइड कुछ भी चलेगा और इसके ऊपर गया तो भी एक तरीके का रिवर्सल होगा बिकॉज मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा सकता है सो थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है यहां से अगर मार्केट पलटने की कोशिश करता है देन आई टेल यू वॉट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट द मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन पहला होगा ये कि मार्केट थर्टी फाइव एट हंड्रेड को तोड़ देगा थर्टी फाइव एट हंड्रेड को ब्रेक कर देगा एंड देन उसके बाद थर्टी फाइव फोर सेवेंटी मतलब थर्टी फाइव फाइव हंड्रेड को भी ब्रेक कर देगा ये जो दो लेवल्स मैंने अभी अभी आपको बताए हैं थर्टी फाइव एट हंड्रेड एंड थर्टी फाइव फाइव हंड्रेड इसके नीचे अगर मार्केट आ जाता है देन यू कैन अज्यूम कि मार्केट एक सेलिंग स्प्री वापस से जो है एक्सपीरियंस कर सकता है बिकॉज थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड वेरी इज अ वेरी क्रुशल लेवल नाउ लेट्स टेक एन लेट्स टेक एन बुलिश अप्रोच नाउ अगर मार्केट को ज्यादा ही बुलिश होना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है अगेन आई एम टेलिंग यू ये जो रेंज अपन ने बनाई है अभी अभी रिसेंटली दिस वन दिस लेवल थर्टी सिक्स सिक्स हंड्रेड से लेकर के थर्टी सिक्स एट हंड्रेड जो मैंने आपको फाइनल टारगेट आप लोगों को बताया था अभी अभी थर्टी सिक्स एट हंड्रेड इज समर अराउंड दिस इज गोइंग टू बी दी अपसाइड मतलब मार्केट अगर इसके ऊपर आ जा रहा है थर्टी सिक्स एट हंड्रेड के ऊपर देन थर्टी सेवन थाउजेंड एंड इवेंचुअली ये गैप भी फिल हो सकता है बट अनटिल देन आप लोग थोड़ा सा अच्छा प्लानिंग कर सकते हो डाउन साइड के टारगेट्स के लिए गैप बहुत सारे हैं यहाँ पे राइट एक गैप तो यही है फिर ये गैप है तो उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो दिस इज गोइंग टू बी दानलिस फॉर बैंक निफ्टी बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन के केस में मैं यही बोलूंगा आप लोगों को मार्केट छोड़ देना चाहिए क्यों क्योंकि जितना बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है मार्केट उतनी बड़ी लाइव मार्केट मोमेंटम को पॉसिबल मोमेंटम को खत्म कर देता है लेट से मार्केट 400 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया तो अब 400 पॉइंट क्या पता मैक्सिमम पोटेंशियल था मार्केट का उस दिन मूवमेंट देने के लिए तो वो तो ऑलरेडी गैप अप हो गया तो साइडवेज चला जाता है सेम हैपन्स वी डाउन साइड मोमेंटम और इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि मार्केट साइडवेज क्यों जाता है इट इज इट हैज गुड रिलेशन विद सप्लाई एंड डिमांड तो मैं आपको किसी दिन एक अलग से वीडियो बना करके समझाऊंगा अगर आप चाहते हो कि मैं इस बात पर वीडियो बनाऊँ वाई गैप अप एंड गैप डाउन के बाद मार्केट साइडवेज चला जाता है देन मेक श्योर इस वीडियो पे हम लोग 50 लाइक्स का टारगेट हिट कर दें एंड एटलीस्ट 20 कमेंट्स देखने को मिले ऑल राइट नाउ एनी लेट्स कम बैक टू निफ्टी फिफ्टी निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगेन इंट्राडे की बात करेंगे बहुत अच्छी रेंज में पूरा मार्केट बहुत अच्छी रेंज में स्ट्रांग रेंज में ऐसी बात नहीं है ऊपर से सेलिंग और नीचे से बाइंग एक काफ़ी अच्छी बात होती है क्योंकि इसकी वजह से दो चीज़ें पॉसिबल होती हैं या तो अक्यूमिलेशन या तो डिस्ट्रीब्यूशन अब दोनों में से जो भी हो रहा है वो हमको कैसे पता चलेगा जैसे ब्रेक डाउन आएगा या ब्रेकआउट आएगा ना इफ यू सी द मार्केट सस्टेनिंग बिलो सेन टू फोर्टी सेवनटीन टू फोर्टी इज अटॉप लॉस लेवल अगेन मार्क कर लेना सेवनटीन टू फोर्टी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है यहां से मार्केट के अंदर एक काफी अच्छा यू कैन से आपको स्टॉप लॉस हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं जिन लोगों ने बाय करा हुआ है यू कैन सी गुड लॉन्ग अनवाइंडिंग एट दिस पॉइंट ओके तो यहाँ से एक स्ट्रेट टारगेट बनेगा सत्रह दो सौ तक का चालीस पॉइंट का आप एक छोटा टारगेट ले सकते हो जिसमें आप अगर एट द मनी में काम करोगे तो बीस पॉइंट प्रीमियम मिल सकता है ऑलमोस्ट वन थाउजेंड रुपी पर लॉट दिस इज वॉट यू कैन डू अगर मार्केट वहां से गिरता है बट अगेन आई वुड से इन लेवल्स पे आप बाइंग मत करना ऑप्शन की इन लेवल्स पे आप ऑप्शन की सेलिंग करना अगर मार्केट इसके नीचे आता है सेवनटीन थ्री फिफ्टी के कॉल्स आप सेल कर सकते हो ये टारगेट वन ये टारगेट टू एंड देन ट्रेलिंग टारगेट्स लेकर के नीचे तक जा सकते हो बहुत अच्छा है पूरा वीक बाकी है अच्छा आपको मार्केट में प्रीमियम मिल जाएगा अच्छा क्रेडिट मिल जाएगा आपको नाउ लेट से कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है सेवनटीन वन सेवनटी फाइव अगेन सेवनटीन वन फाइव गाइज स्टॉप लॉस लेवल हमेशा एक राउंड लेवल के 25 पॉइंट ऊपर 25 पॉइंट नीचे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लेवल जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे 17175 दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिसेसिव लेवल कि मार्केट इस गैप को फिल करेगा या नहीं करेगा अगर यहाँ से सीधा ऊपर जाता है तो गैप फिल होने के हो सकता है थोड़ा बाद में फिल करे या फिर ऊपर जाए रिजेक्शन लेकर पलटे और फिर फिल करे बट अगर इसको ब्रेक करता है तो ये तीन ट्रेलिंग लेवल्स के साथ सेवनटीन वन वन सेवनटीन एंड सेवेंटीन ये तीन लेवल्स के साथ में ट्रेलिंग टारगेट्स लेते हुए आप काम कर सकते हो मतलब ट्रेलिंग टारगेट्स मतलब सेवनटीन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वहां पर आप लोगों ने अपना एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे लगा दिया सेवनटीन थाउजेंड फिफ्टी आया अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके सेवेंटीन थाउजेंड वन ट्वेंटी लगा दिया सेवेंटीन थाउजेंड टच किया आपने प्रॉफिट बुक कर लिया ऐसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आप इन तीनों लेवल्स पर काम कर सकते हो और बहुत अच्छे से ट्रेड मिल सकता है अगेन ये इस केस में आप ऑप्शन को सॉरी गई ऑप्शन को बाय कर सकते हो दिस विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय एन ऑप्शन कब जब मार्केट ये लेवल ब्रेक कर देता है नाउ लेट से कि मार्केट इस लेवल पर कभी आता ही नहीं है मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है और ओपन होकर के सीधा सेवनटीन फोर हंड्रेड को ब्रेक कर देता है इस केस के अंदर वॉट यू कैन डू इज आप यहां पर भी ऑप्शन बाय कर सकते हो बट निफ्टी के लिए मैं बोलूंगा आप अगर नीचे के थोड़े से कॉल सेल कर दो तो वो भी एक अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है यहां पर बाय करोगे आप यहाँ से एक अच्छी एंट्री आएगी 54 पॉइंट्स का पहला ट्रेलिंग टारगेट फिर 17481 का दूसरा ट्रेलिंग टारगेट एंड देन सेवनटीन फाइव का एक लेवल है जिसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है उसके बाद सेवनटीन तक का सीधा आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग टारगेट बन रहा है दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू डू अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ये लेवल्स पर आता है ना यू मस्ट बी थिंकिंग यार सर आपने 20-20 पॉइंट की रेंज पे लेवल बना रखे हैं यार यहाँ पर आप अगर इनकी इंपॉर्टेंस देखोगे दीज आर नॉट जस्ट एनी लेवल दे आर हाईली हाईली एक्टिव लेवल्स यहाँ पे जो वॉल्यूम्स uh, हैं वो काफ़ी अच्छी होंगी एंड है भी सो यू कैन नेवर फॉरगेट दीज टू लेवल्स इनके ऊपर ही मार्केट में आपको एक अच्छी मोमेंटम uh, के साथ में बाइंग आती हुई दिखेगी डोंट फॉरगेट हेड एंड शोल्डर बनाए स्टॉप लॉस लेवल भी है ये ओके नाउ दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू डू एन दी मार्केट इज ओपनिंग फ्लैट एक बार थोड़ा बड़ा अगर हम लोग देखते हैं बड़े पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ पर आप आकर देखोगे ये एक पुराना मैंने एनालिसिस किया हुआ है दिस वॉज अ गुड सेटअप जिसके ब्रेकडाउन से मार्केट ने अच्छा मोमेंटम करा ये एक हमारा लेवल था जिसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी हाई थी एंड इसको ब्रेक करके भी मार्केट ने अप दे दिया है ना वॉट कैन हैपन इज यहाँ पर ये जो दो डोजीज है ना इन डोजीज़ के ऊपर गईस काफ़ी स्टॉप लॉसेज है विच एस सेवनटीन फोर हंड्रेड अगेन अभी अभी इस लेवल की बात करिए सत्रह चार सौ एक काफ़ी डिसेसिव लेवल आपके लिए होने वाला है अगर आप कॉल्स होल्ड करके रख रहे हो नीचे से तो अगर यहाँ से आपको रिवर्सल दिखता है देन यू कैन सी अ टॉप मार्केट में बनता हुआ एंड देन मार्केट फिर से एक बार थोड़ा सा नीचे आ सकता है एंड रिमेंबर वन थिंग गईज इतनी बड़ी रैली के बाद अभी तक एक स्ट्रॉग कुल बैक नहीं आया आई नो ये सब लोग बोलते थे कोविड के बाद वाली रैली पे भी बट नाउ दिस इज़ नॉट दैट पार्ट ऑफ द मार्केट अब केस बहुत बदल चुका है इकोनॉमी बहुत बदल चुकी है वर्ल्ड कंडीशन ग्लोबल इकोनॉमी जियो पॉलिटिक्स बहुत सारे चेंजेस आ गए तो आप याद रखना डोंट बिकम अ पार्ट ऑफ दैट क्राउड जो कि बिना वजह बाय कर रहे हैं सिर्फ इस रैली को देखकर कर सो so, यूज योर एनालिसिस यूज यूर ब्रेन एंड ट्रेड वाइजली अब आ जाते हैं स्टॉक के ऊपर स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं एंड देन वील रैप अप विद द वीडियो नाउ इफ यू आर अ न्यू व्यूअर मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन यार इट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज एंड प्रोवाइड बेटर कॉन्टेंट टू यू नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस स्टॉक लूप इन इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊँगा जब ये स्टॉक परफॉर्म कर जाएगा आपको मैं एक बात बताता हूँ दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी सस्पिशियस मत समझना इसको बट या तो दिस इज गोइंग टू मूव अ लॉट या तो यह बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा बहुत एक्सट्रीम मूवमेंट ये कर सकता है काफ़ी वॉलीटैलिटी शो कर सकता है सो वॉट सीम्स टू बी राइट नाउ इज मार्केट एक uh, अच्छा कंसॉलिडेशन करता है पहले रिजेक्शन uh, लेता है रेजिस्टेंस लेवल से फर्स्ट ऑफ ऑल आई शो यू दैट रेजिस्टेंस जो मैंने यहाँ पर मार्क करी हुई है वन आर टाइम फ्रेम अगर हम लोग एक बार खोलते हैं इसका सो यू कैन सी ओवर हीयर एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर रेजिस्टेंस है मार्केट आता है टेस्ट करता है फेल हो जाता है फिर टेस्ट करता है फेल हो जाता है लोअर हाई लोअर लो बनाता है और लोअर हाई भी बनाता है बट दिस टाइम इट कम्स अप ब्रेक्स दिस एंड स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा क्या सर लोअर हाई बनाया मार्केट ने एंड देन इट गेव अ ब्रेक ब्रेकआउट हम लोगों ने क्या सीखा है सिंपल लॉजिक है यार मार्केट अगर हायर लो बनाता इस केस में हमको ब्रेकआउट के चांसेस मिलते बट एनी दिखा ब्रेकआउट अब क्या हो रहा है सर अब यहां पर हो रहा है यार कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन अभी अभी बताया था किसका प्रतीक होता है कंसोलिडेशन प्रतीक होता है दो चीजों का अक्यूमलेशन या तो डिस्ट्रीब्यूशन और यहां पर अगर आप एक छोटी सी चीज नोटिस करोगे जो आई डोंट नो आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो यहां पे एल पी आर इज मच मोर देन एच पी आर मतलब प्राइस हाइयर लेवल से जितनी रिजेक्ट हो रही है उससे कहीं ज्यादा रिजेक्ट लोअर लेवल से हो रही है मतलब इन कैंडल्स का मतलब क्या है जैसे ही बाजार नीचे आ रहा है यहां पर लोग खरीद रहे हैं यहां पर खरीद रहे हैं यहां पर खरीद रहे हैं इतनी स्ट्रांग कैंडल के बाद भी मार्केट अगली बुलिश कैंडल बना देता है सेम साइज की वॉट डज दिस शो समथिंग इज हैपनिंग हियर अ लॉट ऑफ स्टफ इज आइदर गेटिंग अक्यूमलेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ वेन आई सेट यार यहाँ पे या तो बहुत बड़ा मूव करेगा या तो कुछ भी नहीं करेगा वॉट डू आई मीन आई मीन आइदर इट विल कंटिन्यू टू गो साइडवेज ये जो एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है इसके अंदर और इट कैन गिव दिस मेगा ब्रेकआउट जहाँ से आपको बहुत शानदार बुलिश टारगेट्स मिल सकते हैं एंड ये टारगेट्स आपको हो सकता है अगले पूरे वीक के लिए भी आपको इनको uh, ट्रेल करते रहना पड़े सो अगेन दिस इज द लेवल वेयर यूर वेर यू आर गोइंग टू बाय इसके ऊपर अगर मार्केट आपको दिखता है सस्टेन करता हुआ सेवन सेवेंटी uh, से आपका पहला टारगेट रहेगा सेवन सेवेंटी सिक्स का ऑलमोस्ट वन परसेंट का उसके बाद आपका सेकंड टारगेट रहेगा ये एंड थर्ड टारगेट फाइनल टारगेट होगा सेवन नाइन्टी का जो ऑलमोस्ट आई थिंक दो से तीन परसेंट का तो ये ट्रेड हो गई होगा टू एंड हाफ परसेंट का टू पॉइंट सिक्स परसेंट का ट्रेड आपका बनेगा दिस कैन बी एन इंटराडे ट्रेड या मैक्सिमम दो दिन का ट्रेड रहेगा बट अ गुड ट्रेड ऐसी बात नहीं फ्यूचर्स में आप इसके साथ uh, आपके अगर कैपिटल अच्छा है फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हो यू कैन गेट गुड रिटर्न इन दिस This is the uh, setup that I wanted to share. I really liked this, and now let's uh, meet in the outro video. Alright, so guys, I hope you liked the complete market analysis, and uh, I wanted to uh, tell you that we are very close to reaching 1400 subscribers. So if you're a new viewer, please hit the like button and subscribe to the channel and leave a comment that what video do you want to watch next? What kind of content do you want next? Thank you so much for watching. This is Divyam Parasha signing off. Take care.